में भी इकट्ठे हुए, हमारे लिए हमें इज्जत बख्शी, बहुत मेहरबानी। दूसरी बात ये है कि इलाका बांगी खैल में मैं कुछ ज़्यादा सियासी बातें करता नहीं होता, क्योंकि ये घर है। कालाबाग और बांगी खैल का सदियों से ताल्लुक है, चल रहा है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। जैसे ये हमारा घर है, वैसे उसी तरह कालाबाग आपका घर है। आप जब आए, जिस वक्त आए, रहें, मोस्ट वेलकम। आपकी कोई पाबंदी नहीं है और ना ही हम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं। हम जानते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की जो मुश्किलात हैं वो भी अच्छी तरह जानते हैं। जैसे ही मौका मिलेगा इंशाल्लाह, मुश्किलात बहुत हैं, सारे इलाके की हैं, सिर्फ आपकी नहीं है, पूरे इलाके की हैं। किसी का सड़क का मसला है, किसी का बिजली का मसला है, किसी का पानी का मसला है, हर तरीके के हैं मसाइल हैं। तो वो इंशाल्लाह हमारा जो आपस में रिश्ता है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क इलेक्शन में फ़र्क सिर्फ ये पड़ता है सीट का। सीट होती है तो ये जो इज्तमाही काम है, बड़े हुकूमती काम है, ये आसानी से हो जाते हैं। सीट नहीं होती तो फिर वो ज़रा मुश्किल होती है। इसलिए आप रल मिल के, आप खुद भी, अपने दोस्त साथी फैमिली हर किसी को कायल करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकलें। गर्मी का मौसम भी है, वोटर को निकालना भी एक मसला होएगा, तो आप कोशिश करें, कायल करें हर किसी को कि ज़्यादा से ज़्यादा निकले, ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाले जीप पे। और कामयाबी, हमारी कामयाबी, आपकी कामयाबी, वो इकट्ठी है, वो फ़र्क नहीं है उसमें। ये है, वो ये होता है कि हाँ जी कैंडिडेट एक जो होता है, जो मेंबर बन गया, वो मेंबर, या हमारे पास वो मसला नहीं है कि मेंबर बन गया, वो तो वही है, आपका कौम, आपकी कौम की वही नुमाइंदगी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, तब भी करेगा, फ़र्क कोई नहीं है। सिर्फ वो, जैसे मैंने कहा, सीट का यही फ़र्क है कि ये जो बड़े इज्तमाही काम होते हैं, हुकूमती काम होते हैं, ये आसानी हो जाती है। तो इसलिए आप मेहरबानी करें, जदोजहद करें, हमारे साथ हमारे हाथ में हाथ मिलाएं और कामयाब करें, तो इंशाल्लाह रल मिल के फिर इलाके की तरक्की करेंगे। मेहरबानी।